जय हिंद फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। ये वीडियो आप सबके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करना, आई मीन किसी भी पॉलीनोमियल्स का आप जीरो कैसे ज्ञात करते हो। और ये वीडियो किसी क्लास को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया, ये आप सिंपल से आप चाहे 9th में हो, 10th में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हो, ये सबके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को मतलब मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। और आपको मैं आज सिखाऊंगा किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी मतलब कैसा भी बहुपद होगा आप उसका शून्य मिनटों में ज्ञात करोगे, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। क्या बोल रहा है, बोला गया निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें, ठीक है। बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, मतलब क्या करना है, इनका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और ये बच्चे किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अगर आप 9th की बात करो तो 9th में बहुपद का गुणनखंड एक चैप्टर होगा, वहां पे आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगर आप 10th में हो तो आपका बहुपद, ठीक है, बहुपद का फर्स्ट चैप्टर उसमें होता है कि शून्य ज्ञात करें और उसके शून्यंक और गुणनखंड के बीच में संबंध ज्ञात करें, ठीक है, 10th की। और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो भाई साहब देखने को मिल ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, और ये सभी एग्जाम्पल एक बेसिक कहते हैं छोटा मतलब जीरो लेवल्स के मैंने एग्जाम्पल दिया है, और फिर हम लोग क्या करेंगे जीरो से हाई लेवल तक पहुंचेंगे, ओके। चलिए तो मैं हर एक एग्जाम्पल में कुछ कंसेप्ट दूंगा, और ये कंसेप्ट ऐसा होगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप छक्के मार के सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करना है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। और तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंटेड है, ठीक है। तो चलिए मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा अलजेब्रा का एक रूल है वो समझ लेते हैं। चलो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लेते हैं। पहला क्या बताते हैं कि भाई साहब कोई भी अगर मतलब क्या हो, अगर प्लस में हो और कोई डिजिट को आई मीन कोई नंबर को हम लोग बॉर्डर पार कराते हैं, आई मीन प्लस अगर इधर प्लस हो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अगर इधर कोई मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है बच्चा, ठीक है, कि भाई साहब अगर कोई प्लस हो तो बॉर्डर पार माइनस, ठीक है, माइनस प्लस और इनटू अगर है गुना हो तो भाग में, और भाग रहेगा तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में आप क्या करो, कंसेप्ट फिक्स कर लो, ठीक है, इतने तो आपको सबको याद होना चाहिए। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अपना क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये दिया, शून्य ज्ञात करना, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे बराबर में जीरो डाल देंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या करना, ये देखो आप ये इधर क्या चीज में ये देख लो, माइनस है ना, तो माइनस किस में जाएगा, उधर प्लस में चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 15, ठीक है, आप यहाँ या और यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब चलो देखो ये वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आ जाता है अंडर रूट, ठीक है, मतलब ये रूट में आ जाता है। अब 15 का रूट आता है क्या, मतलब परफेक्ट रूट नहीं होता है, तो बस आपको करना क्या है, क्योंकि जब भी अगर कोई मतलब बताया गया था कि जितना मतलब चर होगा इसका मतलब सॉरी जितना घात होगा उसका मतलब क्या होगा आंसर उतना ही होगा, मतलब उसका शून्य उतना ही होता है, तो इसका 2 होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको हम लोग 2 कर देंगे, 15 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए सेकेंड देखते हैं, अभी सेकेंड में क्या करना था, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था, यहाँ पे है, तो कोई घबराना नहीं, देखो कैसे करना है। पहले तो सिंपल क्या कर लो आप इस तरह 4x² - 25 इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो कर लेना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला गया था कि जो माइनस में होगा बॉर्डर पार किस में जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो ये 4x² बराबर ये हो जाएंगे 25, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे करने से क्या पड़ा, आप यहाँ पे देखो क्या ये बोला गया डिवाइड, मतलब गुना में होगा तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में, और भाग में होगा तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। देखो इधर क्या चीज, अगर ये 4x लिखा गया इसका मतलब है कि 4 × x मतलब बीच में गुना होता है बाबू, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ये देखो ये जब ये मतलब इधर मल्टीप्लाई या गुना में तो उधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर मतलब ये 25 और मतलब ये भाग में क्या आ जाएगा 4। अब ये क्या बता, एक्स स्क्वायर जब भी अगर स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है, ये 25/4। अब ये तो पता होगा क्या, 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो एक तो आ गया। और आपको बता दूं कि जब भी अगर किसी भी नंबर का वर्गमूल निकलता है आई मीन अंडर रूट निकालते हैं तो एक प्लस और एक माइनस में आता है, ठीक है, तो एक हो जाएगा -5/2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक
ठीक है। देखो दोनों में क्या डिफरेंट था, तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था, यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम है, इस तरह कर लोगे ठीक है। अगर यहाँ पे बटा में दिया होता तो अपने बटा में भी लिख लेते ठीक है। चलो अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों से थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है, आई मीन अलग है। तो देखिए क्या अलग है, तो पहले क्या करना अपना, तो पहला काम क्या करना है कि पहले आपको लगा लेना है इनके बराबर में जीरो, तो जीरो कर दिया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन का मतलब कि वह लिस्ट जो दोनों के पास हो, ऐसा चीज जो क्या हो दोनों के पास हो वो क्या कहलाता है, कॉमन कहलाता है ठीक है। जैसे देख लो ये पहले नंबर की बात करते हो तो चार के पहाड़ा में चार भी आता है और चार के पहाड़ा में आठ भी आता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन देखना है ठीक है। देखो चार भी दोनों में आ जाएगा, मतलब चार के पहाड़ा में चार भी आता है और आठ भी आता है ठीक है, तो चार कॉमन ले लिया। और उसके बाद देखो इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है ठीक है, तो वाई कॉमन हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। अब कहोगे सर वाई स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं होगा, तो देखो बाबू की कॉमन वही नंबर हो सकता है जो दोनों के पास हो। अब इनके पास ज्यादा पैसा है इनके पास कम है, तो ऐसा कम वाले से कॉमन लेना है ना हमें, मतलब कि ऐसा वैसा राशि ले कि दोनों से हो जाए ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, चार वाई कॉमन ले लिया ठीक है। अब चार वाई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि चार वाई से इनमें भी और इनमें भी भाग दे देना है ठीक है। तो चार वाई से इसमें भाग दोगे तो चार के पहाड़ में चार एक बार में आता है, एक नहीं लिखना ठीक है। वाई के पावर यहाँ पे दो है और वाई से भाग दोगे मतलब क्या, एक पावर घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा वाई माइनस इसमें भाग दो तो चार दूना आठ ही दो बराबर में क्या हो गया जीरो। अब एक बार क्या करना है आपको, इतने बराबर मतलब फोर वाई बराबर में जीरो कर लेना है और एक बार कर लो बच्चे के वाई माइनस टू बराबर में जीरो ठीक है। चलो तो y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो बट्टा में चार, और यहाँ पे तथा क्या हो जाएगा y बराबर ये माइनस उधर किस में चला जाएगा प्लस में, तो y बराबर कितना आ गया जीरो और एक y बराबर कितना आ गया टू, यही इसका आंसर आ गया ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले एग्जाम में तो आई होप देखो कितने आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं इस तरह का ठीक है। तो आप देख लेना इसे, आप एक्सरसाइज में जाना, एक्सरसाइज बनाना ठीक है, आराम से आप सॉल्व करोगे, कोई मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये हार्ड है ओके। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इससे थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब तीन मैंने एग्जांपल और दिया ठीक है। अब ये एग्जांपल लेकर आप घबरा मत जाओ कि भाई साहब अब तो इतने बड़े पहाड़ टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई ना ठीक है, इसको भी आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना ठीक है। पहले काम क्या करना होता है, देखो बच्चे पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को गुणा कर लेना है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब वन तो है ही है, क्या है वन तो होता ही है। चलो तो पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा करना है, मतलब दस इकाई दस ठीक है, मतलब क्या दस इकाई दस मतलब क्या कि भाई साहब ऐसा कोई और ठीक है। यहाँ पे देखो तो गुणा करने पे दस, मतलब यहाँ पे जो आएगा ना इसको इसको गुणा करने पे बोलेंगे गुणा करने पे दस ठीक है ऐसा, और यहाँ पे प्लस है तो बोलेंगे जोड़ने पे सात ठीक है, क्या जोड़ने पे सात। ऐसा आपको दो नंबर चुनना है जिसको उन दोनों को गुणा करे तो दस आ जाए, यहाँ पे प्लस है तो इनका मतलब कि जोड़ने पे सात, अगर माइनस होता तो घटाने पे सात, समझ में आ रहा है बच्चा। यहाँ पे प्लस है इसलिए क्या जोड़ने पे हमें सात लाना है, ऐसा दो नंबर खोलना है जिन दोनों को गुणा करे तो दस और उन दोनों को जोड़े तो सात आ जाएगा ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेट करने वाले होंगे तो कर लिए होंगे, भाई साहब कितना हो गया पांच दूना दस और पांच दो सात हो जाएगा ठीक है, मतलब क्या इस तरह आपको कर लेना कहीं रफली में ठीक है, मतलब क्या कि पांच दूना दस और पांच दो सात। तो करना क्या है, ये पहले वाले नंबर को कुछ नहीं करना ठीक है, इसको जैसे वैसे लिख देना, सिर्फ चेंज करना है तो बीच वाले को ठीक है, मतलब इसको हमें लिखना है पांच और दो के फॉर्म में ठीक है, सात को पांच और दो के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं पांच और दो एक्स, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मतलब सात को हमने लिख दिया पांच और दो एक्स, कहोगे सर क्यों भाई पांच और दो क्यों लिख दिया, तो क्योंकि मैंने फॉर्मेट यहाँ पे चुना था ठीक है, इस फॉर्मेट के अनुसार यहाँ लिख दिया। और फिर लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही लिख दो ठीक है, मैंने लिख दिया ओके। अब देखो यहाँ पे एक दो तीन चार फॉर्मेट हो गया, तो भाई साहब जब चार हो गया ना तो इन दोनों को बना दोस्त दोस्त बना दो ठीक है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो मतलब एक साथ कर दो। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है जी, इसमें क्या है कि x इसमें भी है और x इसमें है, तो x कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब कि भाग देना, जब इसमें आप x से भाग दोगे तो बच जाएंगे x प्लस ये x से भाग दोगे तो यहाँ बच जाएंगे पांच ठीक है। अब चलो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में प्लस दोनों में है तो प्लस ले लिया, दो के पहाड़ में दो भी आते हैं और दो के पहाड़ में कितना दस भी आता है ठीक है, तो दो से आप कॉमन कर लो, तो दो से एक से भाग दोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस में कितना बच जाएंगे पांच, और एक चीज मैंने भूल ही गया जीरो निकाला तो बराबर में जीरो तो करना ही है। चलो ठीक है ये कर दिया। अब देखो इन दोनों बॉक्स क्या हो गया इक्वल हो गया, तो आपने करना क्या है एक्स प्लस फाइव बराबर में क्या जीरो इन दोनों बॉक्स के बदले, और एक बार आपको कर लेना है क्या बच्चा ये वाले नंबर और यहाँ जो प्लस माइनस है उसके साथ भी ले लो बराबर में जीरो ठीक है। देखो क्या ये बॉक्स मैंने लिख दिया, मैं दोनों में से कोई बॉक्स लिखो दोनों तो सेम ही है, ये वाले नंबर और यहाँ पे जो रहेगा वो बराबर में कर देना है जीरो ठीक है। अब क्या हो गया एक्स बराबर
ठीक है, इधर प्लस में तो किसमें चल जाएगा ये माइनस में, और एक इधर भी देख लो क्या एक्स क्या है माइनस में, तो किसमें चल जाएगा सॉरी ये प्लस में तो किसमें आ जाएगा ये माइनस में, तो यही आपका आंसर आ गया क्या माइनस फाइव और ये माइनस टू। ठीक है, तो कितने आराम से निकाल लिया ना। ठीक है, तो आप देखो इस तरह सॉल्व कर सकते हो, कुछ ज्यादा हैवी नहीं, हार्ड एकदम आराम से आप सॉल्व करो, ठीक है बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्या करना सिंपल से पहले गुणा करके देख लो, तीन दोड़ा छ, क्या तीन दोड़ा छ मतलब क्या आपको गुणा करने पे लाना है, कितना गुणा करने पे लाना है आपको छः, कितने ला रहे हैं आपको छः, और घटाने पे लाना है पाँच, यहाँ पे माइनस है ना तो घटाने पे लाना है कितना पाँच। ओके, घटाने पे लाना है आपको पाँच, गुना करने पे छः। आप कहोगे सर छः तो मुझे दिख नहीं रहा है, कोई ना दिखाना नहीं है, मतलब इसको इसको गुना कर लो, मतलब तीन दुना छ, ठीक है, तो गुना करने पे छ और घटाने पे आपको लाना है कितना पाँच, तो आपको पता चल गया बाबू क्या कि छ इकाई छ और छ में से एक अगर घटा दें तो बन जाएंगे पाँच। ठीक है, मतलब छ इकाई छ और छ में से घटा दो बन जाएगा क्या पाँच। अब करना क्या सर किसको, मतलब कैसे घटाए क्या करना, तो देखो कैसे करते हैं बच्चे, घटाने के लिए आपको एक नंबर को माइनस में रखना होगा और एक नंबर को प्लस में, मतलब ये दोनों में से क्या करना होगा, एक को माइनस में और एक को प्लस में रखना होगा। अब कहोगे भाई किसको माइनस में रखो किसको प्लस में रखो, तो कोई ना यहाँ जो साइन है, ठीक है यहाँ जो साइन है मतलब प्लस है, तो क्या करेंगे बड़े वाले को प्लस में रखेंगे और छोटे वाले को माइनस में। अगर बच्चे यहाँ पे माइनस होता तो छोटे वाले को माइनस क्या रखते, बड़े वाले को माइनस में छोटे वाले को प्लस में, मतलब जो साइन आ रहा है ना उसमें बड़े वाले को रखना है, तो इसमें से बड़ा कौन है इन दोनों में से, ये बड़ा है तो इसको आप रख लो प्लस में, और छोटा कौन है ये, तो इसको रख लो आप लोग माइनस में, ठीक है बराबर में जीरो, कोई दिक्कत। चलिए अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन, कितने कॉमन है तीन एक्स कॉमन है, तो तीन एक्स कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्स प्लस में दो, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है सिर्फ माइनस एक कॉमन है, तो एक्स प्लस दो। अब कहोगे सर यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो बाबू जब भी अगर हम लोग माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों बॉक्स बराबर, तो एक्स प्लस टू बराबर में जीरो, और एक बार क्या करना है इसको इरेज कर देता हूँ, 3x माइनस वन बराबर में जीरो। ठीक है, तो ax बराबर क्या आ गया माइनस टू, ठीक है, और इधर आ जाएगा 3x बराबर ये प्लस में, तो इधर सॉरी माइनस में तो प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, मतलब एक आप ऐसे लिख लो चलो x बराबर क्या हो गया माइनस टू और ये क्या हो जाएगा वन बाई थ्री आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व करो, ठीक है बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले रेस कर, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, पहले जिस क्वेश्चन को हम लिख लेते यहाँ पे, चलिए ठीक है पहला काम क्या करना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखो गुना करने पे कितना है छ गुना बारह, ठीक है मतलब गुना करने पे आपको लाना है कितना बारह, और यहाँ पे बाबू जोड़ना है, ठीक है जोड़ने पे लाना है आपको माइनस आठ, ठीक है मतलब क्या करना है आपको जोड़ने पे लाना है माइनस में आठ। ठीक है, तो क्या करना है देखो गुना करने पे लाना है आपको कितना बारह और जोड़ने पे लाना है कितना माइनस आठ। ठीक है, तो आपको पता होगा छ दूना बारह मतलब माइनस में दोनों रखेंगे, ठीक है छ दूना बारह और छ दो आठ, अभी माइनस प्लस का कंसेप्ट हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, मतलब छ दूना बारह और छ दो आठ ये आ जाएगा। अब करना क्या बच्चा जोड़ना है, ठीक है तो जब जोड़ना है ना तो क्या करो दोनों नंबर को माइनस में रखो, क्या करो दोनों नंबर को माइनस में रखना है, क्यों क्योंकि जोड़ना है हमें ला रहा है माइनस में, तो दोनों नंबर को माइनस में रखना है आपको। ओके चलिए, तो क्या छ और दो आया ना, तो क्या करना है छ और माइनस में दो, ठीक है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बराबर में क्या करो जीरो लगा दो। ओके चलो, कैसे करना देख लो फिर से, छः दुना बारह और छः दो कितना आ जाएगा आठ, फिर क्या करना चार है तो चार में से दो दो का ग्रुप बनाकर दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन क्या है, तो दोनों देखो दो के पहाड़ा में दो भी आता है, दो के पहाड़ा में तीन सॉरी छ भी आता है, तो दो ले लिया, इसके पास भी एक से और इसके पास भी एक से, तो दो एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब दो एक्स कॉमन लिए, कॉमन लेने का मतलब क्या कि भाग देना, ठीक है तो भाग दोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये एक्स और ये हो जाएंगे आपका तीन। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, तो इन दोनों के पास पहले तो माइनस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये दो के पहाड़ा में दो भी आता है तीन और ये भी आता है, दो कॉमन लोगे एक्स तो होगा नहीं, क्यों क्योंकि सिर्फ इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे x और ये हो जाएगा माइनस में तीन बराबर में जीरो। ठीक है, दोनों बॉक्स बराबर है इसलिए x माइनस तीन बराबर में जीरो लिख दो। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना 2x माइनस माइनस टू बराबर में जीरो। ओके, तो x बराबर आपका हो जाएगा ये क्या प्लस में, तो सॉरी माइनस में, तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया और एक आ जाएगा 2x बराबर में
टू एक्स बराबर टू बाई टू करके हो जाएंगे फाइव, ठीक है। मतलब आंसर कितना आ गया आपका, थ्री और वन हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते, थोड़ा सा इससे हार्ड टाइप का है और यह मतलब अलग कंसेप्ट में होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते ताकि आपको इस वीडियो के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना हो, और किसी भी एग्जाम का हो अगर कहीं भी लिखा हो कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो वही सक आप सॉल्व करो, ठीक है। चाहे आप कोई क्लास नाइन्थ हो, टेंथ हो, या कोई कॉम्पिटेटिव हो, उससे कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं कि आप कौन से क्लास में हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही रूल है और सेम फॉर्मेट पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते क्या करना, पहला क्या करना है यहाँ पे देख लो। पहला जो हम लोग करते हैं क्या, गुना कर लेते हैं। तो गुना करो कितने, चार तिहाई बारह, ठीक है। मतलब क्या करना कि गुना करने पे आपको लाना है ऐसा कोई दो नंबर जिसको गुना करे तो बारह आ जाए, और बच्चे घटाने पे क्या लाना है, माइनस में एक लाना है, ठीक है। घटाएं तो उसको क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। पहले हम लोग एक की बात करते हैं, माइनस प्लस बात की बात करेंगे, ठीक है। घटाने पे कितना, एक लाना है, और गुना करने पे बारह लाना है, ठीक है। तो पहले देखो कौन होगा, तो चार के बारह और चार में से तीन घटेगा तो एक आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस का कंसेप्ट अब हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सोच लिया क्या कि चार और तीन होगा, भाई साहब चार और क्या होगा, तीन होगा, ठीक है। अब माइनस प्लस कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो ये इसको जैसे वैसे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो नंबर है, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, मतलब इन दोनों के साथ ही खेलना है। चले खेलते हैं बच्चे, हमें लाना है माइनस में। तो बोला गया कि बच्चे जब अगर माइनस में लाना हो, मतलब घटेगा कब, जब एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तभी घटेगा, ठीक है। मतलब एक को हमें प्लस में रखना होगा और एक को हमें माइनस में रखना होगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना होगा, करेगा कौन ये साइन, कि किसको माइनस में रखे और किसको प्लस में। तो अगर बाबू यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस में, और अगर प्लस लाना है तो बड़े, मतलब जो बड़े है उसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाना है, माइनस लाना है, तो किसको रखे माइनस में, ये वाला है ना बच्चा बड़ा, तो इसको माइनस में रख लो भाई साहब, और छोटे वाले को प्लस में रख लो तभी तो घटेगा। तो छोटा वाला तीन है तो इसको मैंने प्लस में रख दिया, बराबर में क्या करो जीरो हो गया। चलो अब जब यहां तक आ गया तब तो आप खेल जाओगे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। फिर क्या करना, इन दोनों में देख लो कुछ कॉमन है क्या, तो इन दोनों में तीन के पहाड़ में ना तीन, मतलब ये दोनों में कुछ पहाड़ है, मतलब किसी के पहाड़ में तीन और चार नहीं आता, ठीक है। तो ये तो नहीं, मतलब एक के पहाड़ में आता है, तो अब तो एक कॉमन होता ही। अब देख लो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x तो दोनों में, तो आप x कॉमन ले लो। अब x से भाग दोगे इसमें तो बन जाएंगे ये थ्री, मतलब क्या थ्री एक्स यानी तीन एक्स माइनस, इसमें भाग दोगे तो ये बन जाएगा चार, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं बच्चे, तो इन दोनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस वन कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ वन ही आएगा, तो ये थ्री एक्स माइनस चार बराबर में क्या जीरो कर देते हैं। अब क्या करना, इन दोनों बॉक्स बराबर, तो इन दोनों बॉक्स को क्या करना, एक बॉक्स को बराबर में जीरो लिख देना है, तथा क्या करो यहाँ वाला और यहाँ वाले, ठीक है, प्लस में बराबर में क्या करो जीरो, ओके। अब ये देखो आगे आ जाते हैं, ये सब तो नॉर्मल आ गया, ये माइनस में तो किसमें प्लस में, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुना में है, ठीक है, तो इधर किसमें आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा भाग में, तो एक आ गया यहाँ पे। चलो अब यहाँ की हम लोग बात करते हैं, तो एक्स बराबर किधर प्लस में है, तो इधर किसमें आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना अपना आंसर क्या, चार बटा तीन और एक आ गया माइनस में एक, बस हो गया आंसर, ठीक है। कितने आसान सा है ना। अब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बनाओ आराम से, ठीक है। वीडियो पोस्ट करो और फिर मेरे साथ मैच कर लो कि क्या आता है, ठीक है। चलिए तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको कैसे करना। तो पहले तो आप देख लो, अभी क्या बच्चे गलती करेंगे, 642 कर देंगे, बट ये अगर ऐसा कर लियो तो गए आप, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। करना क्या, पहले आप देख लो ये मानक फॉर्म में, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको क्या करें, मानक रूप में लिख लेते हैं। मतलब क्या, पहले मतलब घातों के, मतलब घात जो है ना उसके घटते क्रम में लिख देते हैं, मतलब पहले दो, फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब आप आराम से देखो, सेम क्वेश्चन बन गया, गुना करने पे लाना है 6 3 18, ठीक है। क्या गुना करने पे लाना है आपको 18, और घटाने पे लाना है कितने 7, ठीक है। घटाओ तो क्या आ जाएगा आपका 7, ठीक है। खेल जाओ, 9 2 9 18 और 9 में से 2 जाएगा कितना 7 हो जाएगा। अब माइनस प्लस का कंसेप्ट क्या करना, कि जब भी घटाने की बात करेगा तो आपको एक प्लस में और एक माइनस में रखना होगा, और जब भी घटाने की बात होगा प्लस माइनस में, तो ये डिसीजन करेगा कि किसको प्लस में रखना है और किसको माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में, अगर यहाँ प्लस लाना है तो बड़ा वाला को प्लस में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लो, इन दोनों में से बड़ा, सॉरी मैंने तो लिखा ही नहीं, कितने 7 2 9 9 2 था ना, 9 और 2 9, ठीक है, मतलब 9 2 18, तो किसको मैं माइनस में रखूं, बड़े वाले को या प्लस वाले, सॉरी छोटे को। तो यहाँ पे देखो बड़ा 9 है ना, तो माइनस में ला रहे, तो माइनस में बड़ा का जो भी बड़ा नंबर है उसको रख लो। चलिए अब आगे देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन, 3 के बाहर में 3 भी 6 भी आते हैं और 9 भी आता है, तो 3x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 3, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन, कुछ नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 3
बराबर में जीरो, ठीक है। चलो एक बार हो जाएगी जीरो और एक, चल हो गया। चलो ये बीच में आप कर लो इस तरफ, तो ये टू एक्स बराबर, ये माइनस में तो इधर प्लस में, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। और इधर हम लोग बात करते हैं तो थ्री एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वन और एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, तो यही आंसर आ गया ना क्या थ्री बाई टू और एक आ गया माइनस वन बाई थ्री, ओके। तो इस तरह देख सकते हो कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना कितना आसान सा है ना, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप बस क्या करो अपने किसी भी चैप्टर में, मतलब कोई भी अगर बहुपद ये लिखा ना, ये शब्द अगर कहीं भी लिख दिया, ओके, तो आप आराम से बनाओ, ठीक है, कि शून्य ज्ञात करना है मतलब क्या पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी बुक में हो, कोई क्लास में हो, आप आराम से बनाओ, ठीक है। अगले सिंपल आगे मैं और भी इससे क्या होगा इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स लेकर आऊंगा, तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।